उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए अधिकारी उनकी हर पसंद नापसंद का भरपूर ध्यान रख रहे हैं। बिल्डिंग, सोफा, कुर्सी और स्कूल के बाद एक कदम और बढ़कर अधिकारी अब टॉयलेट तक पहुंच गए हैं। आज योगी आदित्यनाथ का हरदोई में 8 घंटे लंबा दौरा है। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर तो भगवा पर्दे लगाए ही गए हैं, टॉयलेट में लगी टाइल्स तक भगवा रंग की लगाई गई है। शनिवार को हरदोई में योगी के कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन जोर शोर से दिन रात तैयारियों में जुटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 8 घंटे लंबा वक्त हरदोई में बिताएंगे। ऐसे में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए प्रशासन के अधिकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कार्यक्रम स्थल को भगवा पर्दों के साथ करने के साथ प्रशासन पूरे आयोजन स्थल की साफ सफाई और सुरक्षा के इंतजाम करने में जुटा है। पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की पसंद और नापसंद का विशेष ख्याल प्रशासन को है। इसके चलते टॉयलेट में लगी सफेद टाइल्स को उखाड़कर फिर से भगवा रंग की टाइल्स लगा दी गई है। गौरतलब है कि सूबे में सरकार बदलने के बाद से ही लखनऊ में सचिवालय के साथ साथ तमाम सरकारी इमारतों को भगवा रंग से रंग दिया गया था। सरकारी स्कूल तक को नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी भगवा रंग से पोत दिया गया। इसके चलते विपक्षी दलों ने योगी सरकार की खिंचाई भी की थी। हालांकि बाद में गलती स्वीकार करते हुए प्रशासन ने उन्हें फिर से पुराने स्वरूप में रंग दिया।